ही हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और आज हम लोग करने वाले हैं अपना गार्डन मेकओवर। तो ये जो गार्डन मेकओवर है ये एक टेरेस गार्डन मेकओवर है, यानी छत का मेकओवर है, जो थोड़ी सी डल एंड बोरिंग लगती थी मुझे। स्पेशली मुझे थोड़ी सी डल एंड बोरिंग लगती थी, बट मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जिस पर हम लोग मेडिटेशन भी कर सकें। एंड कोशिश करेंगे कि हम जो भी यहाँ पर मेकओवर करें ये थोड़ा सा बेस्ड आइटम के साथ ही करें और थोड़े से DIY करें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं घर की छत पर, जहाँ पर आज हम कुछ मेकओवर करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं फ़िलहाल ये छत किस तरह से दिखती है। ये मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती है, वैसे मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये जो एरिया है ये थोड़ा सा डल लगता है। एंड आप देख सकते हैं सनलाइट में भी ये वाला एरिया थोड़ा सा डल लगता है, इतना मज़ा नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट कर दिया है हमने। अब इसमें हम ऐड करें कुछ कलर्स। तो हमने क्या डिसाइड किया है, हम जो फ्रंट वाली जो बॉल है इस पर हमने येलो कलर लिया है, और जो इसके साइड वाला बॉल है इसको हम वाइट पेंट कर देंगे। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो ये लकड़ी की पुरानी संदली रखी हुई दिख रही है, इसको भी हम यूज़ में लेने वाले हैं, तो इस पर भी हम लोग पेंट कराएंगे। और कुछ प्लांट्स का हम जगह चेंज करेंगे किस हिसाब से हमें लगाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कलर ऐड हो चुके हैं, और येलो और वाइट होने के बाद अब सनलाइट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एकदम स्पेस जो बड़ा हुआ लग रहा है। साथ ही हमने संदली का कलर ब्लू करा दिया है, ये देख सकते हैं आप। और एक हमारे पास एक सीढ़ी रखी हुई थी, उसको भी हमने ब्लू करा कर ऐड किया है। लेकिन अभी भी हमारा येलो वाला जो दीवार है वो खाली खाली सा लग रहा है, तो हमने कुछ और नए आइडियाज़ सोचे हुए हैं यहाँ पर इसको एक नया लुक देने के लिए। सबसे पहले हमने लिया है ये वॉल स्टिकर जो हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है। यदि आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत ही क्यूट लग रहा था, स्पेशली गार्डन के हिसाब से बहुत क्यूट लग रहा है, क्योंकि इस पर जो बर्ड्स बने हुए हैं, बट ये लंबा स्टिकर है, बट हमारी जो बॉल है वो दो पार्ट में डिवाइड है, मतलब उसमें एक बीच में एक पार्टीशन है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको हम उसी हिसाब से ही अरेंज करेंगे, तो हमने इसे अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। ये स्टिकर हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगाया है, जिसमें बच्चों ने भी हमारी बहुत ही मदद की है। तो अभी भी येलो वाली जो बॉल है हमारी, उस पर हमने एक साइड कुछ किया है। तो अब नंबर आ चुका है कुछ DIY करने का, जिससे हमें अपना वाला टच आ जाए हमारी बॉल पर। तो यहाँ पर हमने कुछ कार्डबोर्ड्स लिए हैं पहले DIY के लिए। सेकंड DIY हम एक बर्ड फीडर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक इस तरह का प्लास्टिक बोतल ले लिया है, जहाँ पर हम छोटा वाला बर्ड फीडर बनाएंगे, जिससे कोई जैसे बंदर वगैरह होते हैं या और भी एनिमल्स होते हैं वो परेशान ना करें। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी खिड़की लगाई है, इस खिड़की को हम कट करेंगे। और इसके ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए हमने फिर से एक कार्डबोर्ड का डब्बा लिया है, जिसे हम गोल अगेन कट कर लेंगे। तो ये खिड़की देखिए ये निकल आई है, इसमें हम बर्ड्स के लिए खाना रखेंगे। और यहाँ का इसका हमने मिडिल पॉइंट लेकर एक लंबा कट लगा लेना है कुछ इस तरह से। तो ये इसकी कैनोपी बन जाएगी, और इसे बनाना बहुत ही आसान है कुछ इस तरह से। बस इसे स्टेपलर की हेल्प से हम लोग सिक्योर कर देंगे यहीं की यहीं पर। और अब हमने बोतल को कट कर लिया। पहले हमने सोचा था बोतल से ही कैनोपी बनाएंगे, बट वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे, और इसमें जो हम धागा ऐड करेंगे ये हम पीछे से ऐड करेंगे। पहले पीछे के दो पॉइंट लगाएंगे और वो भी बोतल के साथ ऐड करेंगे, फिर आगे हम दो पॉइंट लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए पीछे लगाया, अब इस वाले धागे को हम आगे की तरफ लेकर आएंगे और फिर ऊपर वाले कैनोपी पर ले जाएंगे। ये आगे के दो पॉइंट हैं, और फिर ऊपर हम दोनों पार्ट को निकाल देंगे, और ये इस तरह से हमारा हैंगिंग रेडी हो जाएगा। एक तरफ अब ये हमारा खुले में है, तो इसको सिक्योर रखने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ा सा वाइट सीमेंट। इसमें हम डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच फेविकॉल, और उसी के साथ बस सादा पानी। अच्छा सा हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे।
तो अभी जो हमने कार्डबोर्ड से ये वाला पार्ट बनाया है इसको हम पूरा कवर कर लेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, धूप पानी या बारिश के मौसम में ख़राब नहीं होगा और अच्छे से चलता रहेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने जो यहाँ पर 3 कार्डबोर्ड के पीसेस और भी बनाए थे उसको भी हम आगे और पीछे दोनों ही साइड से अच्छे से इस वाले सीमेंट के घोल से रेडी करेंगे और सूखने देंगे। इसके बाद अभी हमारे पास ये पेस्ट थोड़ा और बचा हुआ था तो हमने एक थर्ड छोटा सा DIY और बनाया है, जिसमें हमने पेपर को अच्छे से गीला करके ऐड किया है और हल्का सा ऑयल ऐड किया है। तो ये देखिए ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। इसको हम एक छोटे छोटे शेप बना देंगे कुछ इस तरह से। और इन सारे ही कामों में बच्चे भी बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ही मन से करते हैं ये काम, साथ ही साथ उन्होंने आ भी जाते हैं ऐसे छोटे छोटे DIY बनाना। तो अब है पेंट की बारी, तो चलिए पेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम बर्ड फीडर को पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बर्ड फीडर के लिए हमने चूज़ किया रेड एंड ब्लैक कलर, क्योंकि हमारी जो सामने वाली बॉल हमने रखी है वो येलो कलर की रखी है। और साथ ही ये जो हमारे 3 DIY हैं, पहले पर हम दे रहे हैं हल्का सा ब्लैक एंड रेड, इन तीनों DIY को ऐड करने का एक और भी मोटो था कि उस पर थोड़े और भी कलर्स ऐड हो जाएंगे और साथ ही थोड़ा सा सनलाइट वाला भी फील आएगा, जो कि आपको फ्रेश और एकदम अच्छा सा फील कराएगा। दूसरे पर हम लोग दे रहे हैं ब्लू एंड वाइट, एंड थर्ड पर हमने दिया है रेड वाइट और ब्लू का टच, और इन तीनों के बेस रेडी हो गए हैं। इस पर हम थोड़ा सा सनसेट वाला फील देंगे हल्का सा। तो ये देखिए ये हमने हैंगिंग के लिए जो डो से कुछ छोटे छोटे ऐसे DIY बनाए थे, अब इसको भी हम कलर कर लेते हैं और इसको सूखने के लिए छोड़ रहे हैं हम लोग। जब ये सूख जाएगा तब हम इसको डोरी में डालकर ऐड कर देंगे। तब तक जो हमारे 2 बोर्ड हैं इस पर हम हल्का सा पेंट कर लेते हैं। तो इस वाले पर हम लोग एक झूला पेंट कर रहे हैं जिस पर हमारी 2 छोटी छोटी बिल्लियाँ बैठी हुई हैं और ये इवनिंग का टाइम हो रहा है। मुझे कैमरे में तो नहीं पता कि ये किस तरह से दिख रहे हैं, बट ये रियल में काफ़ी क्यूट लग रहे थे बनने के बाद और बहुत ही अच्छे से लग रहे थे। इस पर भी हम कुछ कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ आप लोग पिंट्रेस्ट वगैरह से ले सकते हैं जहाँ पर भी, या फिर बहुत सारे आर्ट चैनल्स होते हैं वहाँ से भी आप कोई भी इस तरह के DIY आइडियाज़ ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल सा कुछ कुछ हमने इस पे पेंट किया हुआ है। और अब बस हम इसको ब्लैक फिल कर रहे हैं, साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्री टाइप का कुछ ड्रॉ कर देंगे। एंड अभी हम इस पर पत्तियाँ रेड कलर की ऐड करेंगे।
तो ये कुछ हमारे बनकर इस तरह से दिखेंगे। चलिए टाइम हो गया इनको प्लेस करने के लिए, तो आ गए हम लोग फिर से छत पर। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, क्योंकि इस टाइम गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो दोपहर में कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर एक नया एडिशन हुआ है, ये देखिए, ये तो एक हमारी सीढ़ी थी, उस पर हमने ये कुछ कलरफुल बांस लेकर आए हम, साथ ही हमारे ये तीन कलरफुल से मटके जो हमने अभी रिसेंटली ऐड किए हैं, और ये कलरफुल पॉट्स जिसकी वजह से हमारी जो ये वाइट वाली दीवार है इस पर भी बहुत ही बढ़िया से कलर्स आ गए हैं। बस अभी इसमें हमें कुछ प्लांट्स वगैरह और ऐड करने हैं, और एक दो और आइडियाज़ हैं हमारे पास जो बहुत ही जल्द हम यहाँ पर लगाएंगे और ऐड करेंगे। तो जब वो हम ऐड करेंगे इस छत पर, तब भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी हैंगिंग लग गई है, और जो हमने वॉल आर्ट बनाई थी वो लगा दिया, और यहाँ पर हमने बर्ड फीडर लगा दिया है। अब ये सब लगने के बाद हमारी वॉल कैसी लग रही है और हमारा गार्डन कैसा लग रहा है, एकदम इतना खूबसूरत हो गया है और इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। इतने छोटे छोटे से चेंजेस करने के बाद इतने बढ़िया इसमें कलर्स आ चुके हैं। तो साथ ही यहाँ पर एक हमने हल्का सा इस तरह से भी रेडी किया है कि सुबह बैठ कर आप यहाँ पर मेडिटेशन कर सकें, योगा कर सकें। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और जब यहाँ पर सनलाइट आती है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो इसे देखकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इसका चेंज देखकर आपको ये कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इसमें हम जो भी चेंज करें, क्या आप इसको देखना चाहेंगे या नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू।